राजमा चावल बनाने जा रही हूँ। आप लोग भी देखिए किस तरह से बनता है राजमा। अस्सलाम वालेकुम, जुलेखा के दुनिया में स्वागत है आप लोगों का। देखिए मैं राजमा बनाने जा रही हूँ। इसको रात में फूलने दे दी थी, अब इसको मैं उबालने जा रही हूँ। इसमें पानी डाल देती हूँ। और इसमें 2 तेज़पत्ता है, 2 दालचीनी छोटा छोटा और 2 बड़ी इलायची और नमक, थोड़ा नमक रखना है। अब इसको उबलने के लिए मैं छोड़ देती हूँ, उसके बाद गल जाती है। राजमा गल रही है जब तक मैं इसका मसाला की तैयारी कर लेती हूँ। अब इसमें मैं प्याज रख रही हूँ, प्याज सॉफ्ट हो जाती है। लाल मिर्च करना है, थोड़ा सा प्याज गल जाती है, उसके टमाटर रखते हैं इसमें। और इसमें मैं टमाटर रख रही हूँ, 2 टमाटर हैं, मैं इसको काट ली हूँ और इसको इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा हल्का नमक रख दे रही हूँ तो टमाटर गल जाएगी। देती हूँ, आँच कम कर दी हूँ, अब थोड़ी देर में फिर इसको मैं खोल रही हूँ। देखिए टमाटर भी गल गई है और प्याज भी थोड़ा मुलायम हो गई है, और इसमें मैं निकाल लेती हूँ। देखो मैं निकाल लेती हूँ, हो जा रही है तो इसको मैं पीस लूंगी, इसका क्यूरी बना लूंगी। देखिए मैं जीरा का फोड़न डाल रही हूँ, ये चटक जाती है। उसके बाद मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, प्याज और टमाटर का पेस्ट बना ली हूँ, वो मैं डाल दूंगी। अब इसमें इसमें अच्छा रंग के लिए मैं कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, इसमें अच्छा रंग आ जाएगी।
एक चम्मच लाल मिर्चा भी इसमें डाल लेना है, थोड़ा हल्दी आधा चम्मच, एक चम्मच धनिया, आधी चम्मच से कम गोल मिर्च, सारा मसाला डाल दी हूँ। थोड़ा राजमा में तो नमक डाली थी, उसमें भी थोड़ा नमक डाल देती हूँ। थोड़े देर के लिए इसको पका लेती हूँ। थोड़ा हल्का पानी डाल के इसको थोड़ा धीमी आंच में पकने देती हूँ मसाला को। उसके बाद मैं दिखाती हूँ। देखिए अब ये भुजा गई है, तैयार हो गई है। मसाला का कलर अच्छा आया है। थोड़ा सा भूज लेती हूँ। भी बनाते हैं तो ठीक ही बनते हैं। इधर राजमा देख लेती हूँ। राजमा को खोल के देख लेती हूँ, गली है कि तो गल गई है, एकदम अच्छे से गल गई। तो मसाला भूज के डाल दूँगी उसको। इसको राजमा को डाल देती हूँ। तो कम आंच में पकने देना है। इसको छिपा देती हूँ, थोड़ा पक जाएगी। बोले देखिए ये बन गई है राजमा। इसको मैं ऊपर से धनिया पत्ती डाल दी हूँ। ये तैयार हो गई है राजमा। अब मैं चावल बनाई हूँ। राजमा चावल बहुत अच्छी लगती खाने में। मैं इसको खाने जा रही हूँ। देखिए और इसमें ये सलाद है, बहुत अच्छा से गल गई है। मैं इसको खाने जा रही हूँ। इसी तरह आप लोग भी राजमा चावल बनाइए और अपने घर में सारा परिवार के साथ खाइए। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप लोग भी इसी तरह बनाइए, कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।